हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर बनने वाला हूँ जो पूरे भारत का ऑलमोस्ट पूरे भारत यानी पूरे इंडिया का जो भ्रमण करने वाला हूँ, यानी हर एक जगह पर भारत में ऐसी कोई सी जगह बचने वाली नहीं है जहाँ पर जो कि फेमस हो और हम वहाँ पर ना पहुँचें। तो गाइस, आने वाले टाइम में हम भारत दर्शन करने वाले हैं और पूरे भारत को एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी भारत की हर एक चीज़ को, भारत की हर एक जो फेमस जगह है और फेमस एरिया है, उन जगहों पर जाकर के व्लॉग बनाने वाले हैं। पूरे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे सारी चीज़ों को। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने जितने भी जानने वाले उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम पूरे भारत के व्लॉग लेकर आने वाले हैं। इंडिया के हर एक मोस्ट ऑफ फेमस जगह का एक व्लॉग लेकर आने वाले हैं। गाइस, वैसे क्या होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो कहीं फॉरेन ट्रेवल करे, और फॉरेन में जो कि उसकी कोई खास मतलब पसंदीदा जगह है वहाँ पर वो घूमे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, मतलब फॉरेन में हमारी भी बहुत सारी एक सपना है कि हम वहाँ पे घूमें। लेकिन सबसे पहला सपना मेरा ये है कि मैं भारत भ्रमण करूँ। तो मेरे दिमाग में कल एक चीज़ आ रही थी कि मैं एक, जैसे कि गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, भारत की सबसे, दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा जो है, वहाँ पर हम जाएँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक दोबारा से एक चीज़ और आई, यार क्यों ना हम पूरे इंडिया का भ्रमण करें, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी ही नहीं पूरे देश का हम भ्रमण करें, और हर एक चीज़ को, हर एक जगह को हम पूरे डिटेल्स के साथ इस ब्लॉग में लेके आए, इस चैनल पर लेके आए। तो गाइस, बहुत अमेजिंग होने वाला है यार, मतलब जो मेरा अनुभव होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, और साथ साथ में आपका भी होगा, क्योंकि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे इस चैनल पर, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप भी हमारे साथ डेली के ब्लॉग देखोगे हमारे। तो वैसे तो डेली ब्लॉग आते ही रहेंगे, और ख़ास तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें, इस तरह से भारत का एक भी राज्य नहीं बचेगा, और साथ में एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बचेगा हमारे द्वारा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पता नहीं इंडिया, वैसे तो कोई व्लॉगर ने ऐसा कर रखा है या नहीं कर रखा, मुझे तो पता नहीं है कि यूट्यूब पर भी ऐसी चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर, करोड़ों वीडियो पड़े हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह पर लोग जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि मैं भारत की प्रत्येक जगह, मतलब हर इंडिया की हर एक मोस्ट ऑफ फेमस जगह पर उसने ब्लॉग बनाया किसी एक बंदे ने, वो हम करने वाले हैं। और वो कौन कौन लोग होंगे साथ में वो भी मैं बताऊँगा। तो अभी तो मैं अकेला हूँ, और देखते हैं रोहित मेरे साथ जाता है या नहीं। तो सब कुछ अमेजिंग होने वाला है गाइस, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और सभी लोगों को जोड़ लीजिए। अभी तो हमारी यूट्यूब जो फैमिली है वो इतनी सी है, हम चाहते हैं कि इतनी सी यूट्यूब फैमिली हो जाए जिससे कि सभी लोगों का मेरे साथ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, और आप भी, मतलब आप चाहे घर बैठे वीडियो देखोगे लेकिन आपको एक लगेगा ना कि मतलब भारत यार कितना बड़ा है, भारत में कितनी सारी चीज़ें देखने लायक है, मतलब भारत एक छोटा मोटा देश नहीं है, भारत में भी बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत ही कुछ नेचुरल चीज़ें, बहुत ही जगह ऐसी मतलब देखने लायक हैं जहां हम घूम सकते हैं, और मतलब हमें कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए। सो गाइस यार, बहुत कुछ मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं बखान नहीं कर सकता अपने मुँह से कि यार क्या होने वाला है। तो ये जो भी होगा वो बहुत अमेजिंग होगा, तो जल्दी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बड़ा ही मतलब क्या बोलें इसको यार, मैं अपने मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम ये कोरोना की जो लहर चल रही है, तीसरी लहर। तो अभी मैं क्या, भैया हैं दिल्ली में, उनसे मेरी बात हुई कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली से। तो भैया ने कहा एक काम कर, अभी दिल्ली में थोड़ा कोरोना केसेस ज़्यादा हैं और इंडिया के मुकाबले, मतलब दिल्ली में ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी रुक जा, और देश में वैसे ही कोरोना वोरोना चल रहा है अभी, तो उसको थोड़ा डाउन हो जाने दे, फिर जाके घूमना है। तो मैं सोच रहा था इंडिया पहले, मतलब दिल्ली पहले जाऊं, और दिल्ली के बाद फिर धीरे 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 करते चले हमें एक्सप्लोर। तो सोच रहे हैं यार, ये लहर जो है वो, मतलब क्या बोलते हैं, ये तीसरी लहर की संभावना बन रही है, वो तरह से पूरी डाउन हो जाए जल्दी से। आप सबको लोग कामना करो कि ये चली जाए, और फिर देखते हैं हम धमाल करेंगे, कि धमाल और कमाल के साथ वीडियो होने वाले हमारे, तो बड़ा ही मज़ा आएगा यार। तो आपका भी साथ उसमें बना रहेगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी आप
कमेंट करना चाहे, जैसे कि मान लो मैं दुनिया घूमूँ, मतलब देश घूमूंगा और देश की हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा, डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो वैसे तो मैं सारी चीज़ों को गूगल पे सर्च करते करते और जितनी चीज़ों को मैं जानता हूँ वैसे ही मैं कम से कम लगभग लगभग 100-150 जगह तो मोस्ट ऑफ इंडिया में जो फेमस है उन जगहों को तो मैं जानता ही हूँ, वहाँ पे तो मैं जाने वाला ही हूँ। और इतने में भी अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो, मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, आप हमें बताइए कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें जगह देखने लायक है। मतलब वैसे तो हम सारे स्टेट घूमने ही वाले हैं, मतलब हमारे द्वारा भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने राज्य हैं, वो बचने वाले नहीं हैं। मतलब घूमने के लिए बचने क्या मतलब, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मतलब हमसे अछूते नहीं रहने वाले। हर एक स्टेट में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में भी हम घूमेंगे, तो बड़ा ही अमेजिंग होगा। तो इंतज़ार करते हैं जल्दी से ये कोरोना लहर हो, जल्दी डाउन हो जाए, और डाउन होते से ही फिर हम निकल लेंगे। गाइस आपको पता है मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, यानी फोर व्हीलर वगैरह नहीं है, तो मैं फोर व्हीलर से ट्रैवल नहीं करूँगा, तो मैं करूँगा ट्रैवल बाई टैक्सी, बाई बस, बाई ट्रेन और बाई एरोप्लेन। तो गाइस अभी तक तो मैं एरोप्लेन में घूमा नहीं हूँ और ना मैंने एरोप्लेन का कोई भी अनुभव लिया है, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। तो आपको देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो, मतलब मैं गांव में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं गांव में ही रहता हूं। तो आज तक हमने एरोप्लेन को बस ऊपर उड़ते देखा है कहीं भी, मतलब वैसे तो वीडियोस वगैरह में तो देखे ही हैं, लेकिन ऊपर उड़ते ही देखे हैं जरा जरा सी जगह। तो फिर हम एरोप्लेन में भी बैठेंगे, सब जगह जाएंगे यार, मतलब एक कहां से कहां पहुंचेंगे वो आपको सब दिखाएंगे। और आप अगर हमारे साथ बने रहे तो आप भी देखेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बता दिया है, पक्का ये हमारा वादा रहा, जैसे ही ये कोरोना लहर चली जाएगी और कोरोना के केसेस डाउन होने लग जाएंगे तो हम निकल लेंगे हमारे बैग तक रेडी करके। सो गाइस आप भी हो जाइए तैयार और जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ये इन्फॉर्म करने के लिए आपको मैंने बनाया था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।